अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश और खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो देने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि पहले आपसे किसी ने नहीं की होंगी। आप शायद उनको सरसरी तो इन्फॉर्मेशंस को जानते हैं, लेकिन आप अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को पूरी तरह से नहीं समझते। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ किसके लिए है, ये ऑप्शंस किस किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, क्या क्या डाटा मौजूद है, आज मैं करूंगा आपके सामने ओपन। और आज आपको बताऊँगा इनकी तफसील, वो भी मोबाइल स्क्रीन पर, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंप्यूटर या लैपटॉप उनके पास नहीं है। तो मैं आपको मोबाइल पर प्रैक्टिकली हर चीज़ समझाऊंगा मोबाइल पर ही खोल के। लेकिन मुझे पता है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट वीडियो होने वाली है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बहरहाल चलते हैं। मैं आपको हर चीज़ मोबाइल पर ओपन करके समझाता हूँ। मोबाइल पर ही उस वीडियो को देखने के बाद आप अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को बड़े अच्छे तरीके से समझ कर इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो बहुत मुश्किल से बनने वाली है, मेरे पास क्यों का एक सादा सा मोबाइल है, उस पर बहुत ज़्यादा लोडिंग इश्यूज, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह बहुत कुछ मुझे करना है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मैंने मोबाइल पर ओपन की हुई है। तो एडमिशन्स के खाने को आज हम बॉक्स को डिस्कस करेंगे कि एडमिशन्स में क्या क्या चीज़ें हैं और इनके अंदर क्या क्या चीज़ है। इसमें एडमिशन आप देख रहे हैं, एडमिशन फार्म है आया हुआ है, उसके बाद एडमिशन कन्फर्मेशन है, बुक डिस्पैच स्टेटस है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है, एडमिशन अमेंडमेंट्स है, ऑब्जेक्शंस एडमिशन ऑब्जेक्शंस हैं, ट्यूटर इन्फॉर्मेशन है, वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन है और मोर है। तो आज मैं कोशिश करूंगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो एडमिशन वाला बॉक्स है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इनको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मोबाइल पर। तो दोस्तों, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोबाइल में, वॉइस रिकॉर्डिंग और ये वीडियो बनाना, इसको सेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, सिंपल क्यों का मोबाइल है। तो दोस्तों, अपनी मोहब्बतों की नज़र करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ मिल सकें सबसे पहले। तो दोस्तों, मैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर ये एडमिशंस के जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, इनको बारी बारी ओपन करता जाऊंगा और उनके इस्तेमाल का तरीका आपको अपनी स्क्रीन पर बताता जाऊंगा। आपको पता चलेगा कि किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका क्या बेनिफिट है, और ये किस वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, बल्कि दिखाता भी जाऊंगा। तो आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहेंगे, तभी आपको बात समझ आएगी। तो दोस्तों, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जब खोलते हैं तो आपको तीन चार बॉक्सेस बने हुए नज़र आते हैं। ये जो एडमिशन का बॉक्स है, ये मैंने आपके सामने खोला हुआ है और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस और ज़रूरी यही एडमिशन वाला बॉक्स ही होता है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मैंने एडमिशन वाले बॉक्स को सबसे पहले चूज़ किया है कि इसके मुतलक मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह इस्तेमाल होता है। तो ऑनलाइन एडमिशन के पहले फार्म जो न्यू है, इस पर हम क्लिक करते हैं, तो चलते हैं इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है चलान फार्म सेकंड इंस्टॉलमेंट। अगर आपने फीस इंस्टॉलमेंट में पहली इंस्टॉलमेंट जमा करा दी है, तो दूसरे के लिए जहां से चलान फार्म आप ले सकते हैं, नीचे आपको शनाख्ती कार्ड नंबर या बे फार्म देना होगा। जो लोग 18 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिन स्टूडेंट्स की, वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक, एफए या बीए या किसी भी क्लास के, जिनका अभी तक सीएनआईसी नहीं बना हुआ या उनकी उम्र 18 साल से कम है, तो वो अपने नादरा से बना हुआ फार्म बी का नंबर यहाँ पर पुट करके अपना चलान फार्म जो है ना वो निकाल सकते हैं।
इंस्टॉलमेंट आपको पता है कोरोना की वजह से की गई थी अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तरफ से, तो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का चालान फार्म आप यहां से निकाल सकते हैं। इसको आप प्रिंट आउट करने के बाद बैंक में जमा करा के अपना एडमिशन कन्फर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप एडमिशन कन्फर्मेशन का ये जो वहाँ पर दिया हुआ था एडमिशन के बॉक्स में दूसरा ऑप्शन पे मैं क्लिक किया है, तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने एडमिशन कन्फर्म करने के लिए सबसे पहले अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है। ये सिलेक्ट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपने ऑल प्रोग्राम्स जाके सेलेक्ट कर लेना है और ये नीचे आपको एक नीली सी पट्टी नज़र आ रही है एडमिशन हिस्ट्री फॉर स्प्रिंग 2007 टू आटम 2019 सेमेस्टर। तो यहाँ पर आपने अपना सेमेस्टर कन्फर्म करना है जहाँ जिस सेमेस्टर में भी आपने एडमिशन देना है। उसके बाद नीचे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप ऑल प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखें दोस्तों ये विंडो आपके पास कुछ इस तरह से ओपन होगी। जब आप प्रोग्राम वाले इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने इस ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले आल लेवल आल प्रोग्राम्स को सेलेक्ट कर देना है। तो जो जो सेमेस्टर वाला खाना है वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आटम 219 स्प्रिंग 219 आटम 218 स्प्रिंग 218 17 ये इस तरह के ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। तो आप का जो ऑप्शन है जो आपका सेमेस्टर है 19 का है 18 का है 17 का है जो भी आपका सेमेस्टर है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके सेलेक्ट जब आप करेंगे तो वहाँ पर आप अपना मुतलका डाटा देख पाएंगे। ये आपको याद होना चाहिए कि आपने कौन सा सेमेस्टर का डाटा चेक करना है। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये जो थर्ड नंबर पे है हमारे पास एडमिशंस के अंदर जो है ट्रैक योर बुक्स स्प्रिंग 2020 सेमेस्टर। तो यहाँ पर आपने अपना जो बुक्स के हवाले से इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। आप ज़रूर इंफॉर्मेशन देके क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम आप इस पे हम देखते हैं कि इसमें क्या है। ये ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म ये मैंने आपको दिखा दिया है, एडमिशन कन्फर्मेशन मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब ये ट्रैकिंग सिस्टम में आप अपनी एप्लीकेशन को किसी भी तरह से ट्रैक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसमें गलती कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए।